हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये जन्माष्टमी का ही दिन है। मैंने जो पहले व्लॉग गया था उसमें मैंने प्रॉपर मतलब लड्डू गोपाल का ही वो रूटीन शेयर किया था, लेकिन हम शाम के टाइम गए थे मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर है यहाँ पे कनखल में, तो वहाँ गए थे हम। तो बहुत सुंदर था जैसा आप देख ही रहे होंगे। और पता है 7 साल, वैसे तो मुझे 11 साल होने वाले हैं हरिद्वार में और 7 साल मुझे यहाँ होने वाले रेंट में, मतलब जहाँ रूम पे हम रहते हैं, लेकिन अभी तक मुझे राधा कृष्ण गए हमें एक दो बार पता है, बट मुझे मिलता ही नहीं था। वैसे तो हम अक्सर ससुराल में रहते हैं पर जैसे इस बार नहीं गए, वैसे एक बार पहले भी नहीं गए थे तो यहाँ मंदिर घूमने आए थे, लेकिन हमें राधा कृष्ण मंदिर नहीं मिला। लेकिन इस बार हमें मिल गया, मतलब प्रॉपर, मतलब ऐसे ही गए थे हम ना, उस समय पूछ के नहीं गए थे, इस बार एड्रेस पूछ के गए तो हमें मिल गया। तो यही है, मैंने कहा कृष्ण भगवान यही चाहते थे कि पहले तुम मुझे अपने घर लाओ तब मैं तुम्हें अपने द्वार पर बुलाऊँगा ना, तो होता है ये सब। तो बस यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये है मंदिर, मतलब ये इसका, ये यहाँ पे अखाड़ा है ना, जैसे आपको पता ही हरिद्वार में कितने सारे अखाड़े हैं, तो ये सबसे बड़ा अखाड़ा है। तो यहीं पे ये मंदिर है और ये देखो आप परिक्रमा कर रहे हैं लोग। भीड़ थी, इतनी नहीं थी क्योंकि 7 तारीख को ज़्यादातर लोग मना रहे हैं, बट हाँ काफ़ी भीड़ थी उस हिसाब से भी। तो यहाँ वैसे तो हरिद्वार में आपको पता ही है कि मंदिर ही मंदिर है, तो कोई कहीं चले जाता है कोई कहीं चले जाता है। तो यहाँ पर हम, ये देखो लाइन लगी है, लाइन पे लगे थे और मतलब इतना सुकून मिला ना, बहुत अच्छा लगा यहाँ जाके। और वो ये दर्शन तो कहाँ करने देते हैं, थोड़ा थोड़ा ही दर्शन हो पाते हैं, बस एक नज़र देख लेते हैं भगवान को, यही होता है क्योंकि भीड़ रहती है। तो फिर अगर देख हमें ही देखने देंगे एक को तो और भी होते हैं, तो इस वजह से पंडित जी लोग जल्दी जल्दी करते हैं और ठीक भी है, सबको मौका मिलना चाहिए। तो बस ये लाइन पे लगे हैं, थोड़ा थोड़ा मैंने ऐसे ही वीडियो बना ही ली थी। वैसे ऐसा मना तो कर नहीं रहे थे वहाँ पे, लोग फ़ोटो खींच रहे थे, बट वो ये जल्दी, ये देखो थोड़ा सा मैंने आपको दर्शन करा ही दिए थे, ये था कि थोड़ा थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे आ गए हैं मंदिर से बाहर और हम चारों आए हैं। वैसे हमारी यहाँ पर ना ये टॉफ़ी भी दे रहे थे पंडित जी। तो थोड़ा सा नॉइज़ मैंने आपको सुनाया है कि कितना हल्ला हो रहा था, होता ही है इतने सारे लोग हैं, भीड़ है। तो यहाँ पे हम जा रहे थे झूला झुलाने और मेरी शक्ल आप देख रहे होंगे, तो आज ना मेरा पूरा ध्यान ना लड्डू गोपाल पे था, कोई शक्ल, गर्मी भी हो रही थी एक तो शक्ल के मेरे बैंड बजी हुई थी आज, और व्रत के दिन होता भी है। और भी एक तो दिन भर ये ड्रेस पहन के रखी ना, मुझे ना अब लोअर टी शर्ट की, सबको ही लोअर टी शर्ट की आदत पड़ गई है, तो फिर गर्मी सी भी लगती है। लेकिन यही था कि व्रत था तो आज व्रत के पूरे नियम करने थे। तो यहाँ पे बच्चे भी झुला रहे हैं झूला, और बच्चों को ये था कि हम वहाँ पे चढ़ाएंगे, तो मैं अनु को दे रही थी और अब तो अपने पैसे अपने पॉकेट में लेके आ रखा था, तो बस यहाँ पे बच्चों ने भी चढ़ा दिया है। और फिर हमारी दीदी जो लैंडलॉर्ड है वो भी मिल गए थे, तो फिर हमने फ़ोटो वगैरह खिंचाई और इसके बाद बस सब निकल रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे फिर बच्चों को। बच्चों ने जिद करी कि हमें ना गंगा जी भी जाना, वहीं पे बिल्कुल गंगा जी के किनारे पे ही है ये मंदिर, और बहुत सुंदर सजा हुआ था। तो बस यहाँ परिक्रमा और हन्नू के नखरे तो आप देख ही रहे हो, हेलमेट पहन लिया मैंने, कहा गर्मी हो रही है नहीं बस शौक है बच्चों को। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा सा हम गंगा जी चले गए थे बच्चों की इच्छा के लिए, यहाँ पे फ़ोटो खींच रही थी लेकिन वीडियो ही बन गया तो मैंने कहा चलो ऐड कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे गंगा जी से और अब सीधे घर आ जाएंगे, और फिर उसके बाद का आपने रूटीन देख ही रखा, खाना पीना तो मैं बना के आई थी इस टाइम पे। और ये सीधे अब नेक्स्ट डे है, तो ये 3 दिन से मेरा काम अटका हुआ है कपड़ों का, और पता नहीं क्यों ये मतलब मेरा मन ही नहीं हुआ इन कपड़ों को रखने का मन, मतलब पहले दिन तो बारिश हो गई, फिर दूसरे दिन सुखाए, तो उस दिन जन्माष्टमी थी, तो आज 3रा दिन है, तो आज 3रे दिन ये कपड़े रखे। और आपको बताऊँ एक तो कपड़े गर्म थे ये, और पूरे इस रूम में कपड़े ही कपड़े हैं, तो मेरा ट्राईपॉड भी सामने दिख रहा है। लेकिन मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, लिटरली आधे कपड़े मैंने रखे, इन्होंने भी हेल्प करी बाद में मेरी, आधे कपड़े रखे मैं आधे नहीं रख पाई, मैंने कहा यार थोड़ी देर मुझे सांस लेने दो, और फिर मैं थोड़ी बाहर बैठ गई, मतलब इतना ह्यूमिडिटी हो रही थी इस रूम में, बहुत ज़्यादा मतलब इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। फिर रखे मैंने ये, और नाश्ते में तो आज खीर भी बची हुई थी, छोले बचे हुए थे, बस पूरी मैंने बच्चों के लिए बना दी थी। तो ये तो यहाँ पे कपड़े रख रहे, तो सोचो 3 दिन से मेरा ये काम अटका हुआ था और आज जाके ये पूरा हुआ है। बस अब मेरा एक बेड रह गया है कपड़े सुखाने, जो सर्दियों के हैं सिर्फ, लेकिन अभी नहीं सुखाऊंगी, अब बाद में ही सुखाऊंगी, क्योंकि अभी शायद पुताई भी होगी यहाँ, कलर वगैरह होंगे, तो बस इसी वजह से मेरा किचन में ना सारा फैला पड़ा है अभी, क्योंकि डब्बे मैंने वॉश करके कट्टे में डाल रखे हैं, क्योंकि फिर गंदे होंगे, और राशन भी ले आए हैं तो देखते हैं पता नहीं कहाँ क्या से फ्रिज में रख दूँगी सब चीज़ ना। और तो मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि फिर मुझे फिर कलर के बाद भी धुलना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ जो धुले हुए उन्हें पैक ही रहने देती हूँ, नहीं खोलती हूँ, तो इसलिए सारा सामान भी मेरा ना किचन का भी अस्त व्यस्त हो रखा है।
तो फिर खाना पीना खा के और हम चले गए थे फिर शाम के टाइम, मतलब थोड़ा रेस्ट किया, फिर अपने बास्केटबॉल गया, फिर आके हम राशन लेने चले गए थे। और बच्चों को तो सबसे पहले होता है हमारे बिस्किट, हमारे नमकीन, हमारे टॉफीज़, ये सब रख लो, लोको चोको पाई पतरी क्या क्या रखते हैं, तो बस यहाँ पे कर रहे हैं शॉपिंग और बच्चे खुश होते हैं ना, तो इसलिए हम उन्हें ले आते हैं अपने साथ। नहीं तो वैसे हम खुद भी आ सकते हैं, बट वही है उन्हें खुशी होती है तो ले आते हैं। पास में ही हमारे बिल्कुल, मतलब ये है कि दो बाइक में जाएंगे तो दो पैदल जाते हैं, ऐसे जाते हैं। और हन्नू ना बहुत जिद करता है मतलब जैसे आते समय वो पापा के साथ आ गया था और अब मैं पैदल आ गए थे, लेकिन फिर जाते समय उसे हुआ कि नहीं मैं तो नहीं चल पाऊँगा। और आते समय वो मतलब कट्टा भर के आता, राशन कट्टा भर के लाए तो वो पकड़ नहीं पाएगा, तो बहुत ज़िद्दी है। और तो यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे हमारी हो गया था, हमने ले लिया था सब चीज़, बिलिंग करा रहे थे तो हन्नू ऐसे ही घूम रहा था। हन्नू ये, मैंने कहा चलो हन्नू को घुमा देते हैं, तो सब चीज़ मिलता है वैसे यहाँ ना, कपड़े भी मिलते हैं, वो ऊपर है इनका कपड़ों का स्टोर, तो सही है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि राशन सब चीज़ दिख रहा है सामने तो हो ही जाता है ना, इसलिए हम यहीं स्टोर में ही आ जाते हैं। और यहाँ पे देखो ये जिद कर रहा है कि नहीं कट, ये देखो ये थैला ले जाना है, बट आरफ को बैठना है तो वो बोला नहीं मैं बैठूँगा, मैं आगे बैठ जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो बस। और हाथ में देखो आइसक्रीम, चॉकलेट वाली ही आइसक्रीम चाहिए होती से, तो हाथ में पकड़ी हुई है आइसक्रीम। तो चलो इसके बाद चलते हैं घर और मिलती हूँ आपको घर में। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे 10:30 बजे मिल रही हूँ, अभी बच्चों का दूध बना रही थी तो दूध तो दे दिया, ये अभी ये धुल रहा है बस, और तो सारे बर्तन धुले हुए हैं मैंने ना, ये अली एक निकाल दी है इसलिए इसमें बर्तन रखे हैं, क्योंकि वो वॉश भी करनी है मुझे और फिर है मतलब कुछ काम उस, मतलब दूसरी लानी है मुझे ना इस वजह से। और आज नहीं, मेरे को ना ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने वीडियो तो एडिट ही किया है, राशन लेने गए थे वहाँ से, अभी राशन खोला नहीं है, बच्चों को फिर पढ़ाने लगी, फिर खाना बनाने लगी, कपड़े भी धुलने के लिए थे भगवान जी के भी और अपने भी, मेरे सूट धुलने के लिए थे जो मतलब हैंड वॉश वाले होते हैं ना, जो कल पहना था तो वो भी मैंने वॉश किया, फिर खाना बनाया, सब्जी वगैरह कट करी सुबह के लिए, भिंडी कट करी है। तो इस बीच में मुझे ना बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहा कि मैं मतलब वो नहीं किया, ब्लॉग का एंड नहीं किया और स्टार्ट भी नहीं किया था, कल से ही जो स्टार्ट हो रखा था वो ही स्टार्ट था, तो इसलिए मैंने कहा चलो वीडियो एंड कर देती हूँ। और आजकल सारे बर्तन इसी टोकरी में है यहीं पे, और ये टोकरी भी चेंज करनी है, चल रखी है, चलो देखते हैं क्या क्या चेंज करती है, क्या क्या मन तो करता है ये भी चेंज कर लो घर में, वो भी चेंज कर लो, बट इतना कहाँ होता है, हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि अब करवा चौथ भी आ रहा है और जन्माष्टमी, सॉरी मेरे मन में ना जन्माष्टमी का ये भूत है थोड़ा, तो वो भी चल रहा है क्या, दिवाली भी आने वाली, तो खर्चे काफ़ी बढ़ने वाले हैं, तो इसलिए हर चीज़ लिमिट से, क्योंकि हमें यहाँ का भी देखना है, ससुराल का भी देखना है और अपने घर का भी देखना है, तो तीन जगह के इस बार दिवाली खर्चे मतलब होता है ना, थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन हर जगह होगी तो खर्चे भी बढ़ ही जाते हैं। तो चलो कल का दिन शेयर करूँगी आपके साथ, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।